हाय प्रिंस, दिस इज रूपल और इस समय मेरे सामने एक ऐसे शख्स है जिनकी परिचय देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्टर फारूक जी की। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो गया था लेकिन महिला अभी भी आज़ाद नहीं महसूस करती, कहीं खुल के जा नहीं सकती, क्या कहना चाहते हैं आप इस बात? क्योंकि जब जहनीत में सुधार आएगा तो लोगों में सुधार आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि अरे मेरी घर में बच्ची पैदा हो जाएगी तो ये मेरी बीवी का कसूर है, मैं तो बीवी को जिम्मेदार ठहराऊंगा, या मैं ऐसे डॉक्टर के पास चले जाऊं जो मुझे पहले ही कह दे कि बेटी होने वाली है उसको पैदा होने से पहले ही गायब कर दो या पैदा होते ही उसकी जान ले लो। अगर ये जहनीत नहीं बदलेगी तो फिर जाहिर है कि औरतों के साथ तो बेइंसाफी होगी। सोच का बदलना ज़रूरी है और लोगों का ये एहसास, लोगों में ये एहसास पैदा होना कि औरत हमारे समाज के लिए और समाज की तरक्की और बहबूद और प्रगति के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना मर्द है, अगर ज़्यादा नहीं तो। जब तक ये सोच पैदा नहीं होगी तब तक औरतों के साथ बेइंसाफी किसी न किसी दर्जे में होती रहेगी। इतना प्रोटेस्ट हुआ दामनी के केस को लेकर, लेकिन अभी भी मुद्दा कुछ हल नहीं निकल पाया उस मुद्दे पे, और भी रेप बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद, इस बारे में क्या? बढ़ते जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और जो कि अच्छी बात है। तो एक तो ये कि ज़्यादा औरतों को हिम्मत होगी कि भाई अगर उनके साथ जाती होती है जाएं पुलिस में कंप्लेन करें और मीडिया भी उनका साथ दे। अगर खुदा न खास्ता पुलिस जो है उनको बराबर उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रही है या FIR नहीं हो रहा या एक्शन वक्त पे नहीं हो रहा तो मीडिया के साथ का सहारा लें और उस बात को उजागर करें। और औरतों में ये एहसास पैदा करना होगा कि इस तरह की ज्यादती का विक्टिम होना जुर्म नहीं है। अगर उसका कोई कलंक है तो वो औरत पे नहीं आना चाहिए, अगर उसकी कोई सज़ा है तो वो औरत को नहीं मिलनी चाहिए। सज़ा भी उस नालायक को मिलनी चाहिए जिसने ये किया है और कलंक भी उसके मुंह पे लगना चाहिए जिसने ये किया है। तो ये दोनों चीज़ें मर्दों के ज़िम्मे में आनी चाहिए, औरतों के ज़िम्मे नहीं आनी चाहिए। तो फिर औरतों को भी ये लगेगा कि भाई अब जैसे किसी ने मेरी जेब काट ली तो मैं शर्माता फिरूँ कि मेरी जेब काट ली, किसी ने मेरा सामान लूट लिया, मेरी गाड़ी चोरी कर ली तो मैं परेशान रहूँ कि मेरा सामान लूट गया मेरा, जिसने किया है उस पर जो है इस जिम्मेदारी आती है और पुलिस और समाज उसके साथ सख्ती करे। औरतों पे ये कि भाई ये तो सब मामला बड़ा गलत हो गया, अब इसको तो दबा दो छुपा दो, इससे तो इसका नाम बदनाम हो जाएगा, शादी कौन करेगा वगैरह वगैरह की जो बकवास होती रहती है, ये कई मतलब जनरेशन से और सदियों से और पीढ़ियों से हमारे साथ ये सोच चली आ रही है। जब तक ये सोच राम सिंह जो ड्राइवर था उसने आत्महत्या कर दी जेल में, कहते तो यही। हाँ जी, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं हैरान हूँ। और अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर हाई सिक्योरिटी जेल में अगर ये चीज़ होती है और उसके साथ सुनते हैं 3-4 लोग और भी उसी सेल में रहा करते थे उनको खबर न मिली तो ये तो बड़ी अनहोनी। अगर कोई फिल्म में बताते तो लोग कहेंगे ये फिल्म वाले तो यूं ही उड़ाते रहते हैं बातें। तो जो रेपिस्ट है जो जेल में है आपके हिसाब से उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी? देखिए, एक तो ये कि इस स्पेसिफिक केस में वो सिर्फ रेप नहीं था, वो तो मर्डर भी हो गया और बड़ा ज़ालिमाना मर्डर, तो उनके साथ तो वही होना चाहिए जो इस तरह का मर्डर करने वालों के साथ होती है सज़ा, और सख्त से सख्त क्या हो सकता है वही होनी चाहिए ताकि लोगों को कम से कम ये एहसास तो हो कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो सज़ा भी फिर यही होगी।